श्री हल्दीराम जी बिलाई फिर मैं सेट हुई। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रूना। तो व्यूअर्स, आज मैं आपसे कुकिंग शेयर नहीं कर रही, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कभी आपसे व्लॉग शेयर करती हूँ और कभी मैं आपसे कुकिंग शेयर करती हूँ। तो मैं बहुत, मेरे घर में बहुत ज़्यादा मसला हो गया, तो मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर करूँ ताकि आप भी अपने अपने घरों की केयर करें। जब मैं बाहर जा रही थी, मुझे कहीं जाना था, तो मैं अपनी अलमारी में से दुपट्टा निकाल रही थी, तो वहाँ मैंने देखा कि अलमारी पे जो मेरा, अलमारी के अंदर जो मेरा दुपट्टा है उस पर एक कीड़े नुमा सुंडी नुमा कोई चीज़ चल रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने एकदम अपने हस्बैंड को बुलाया कि आप ये देखें ये क्या हो रहा है। और इतना मैं खौफजदा हो गई कि अल्लाह, इतना माशाल्लाह क्लीन और साफ़ रखने के बाद भी ऐसा क्या हो गया है। तो बाद में पता चला कि ये कीड़ा जो है दीमक का कीड़ा है। तो एकदम मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने पूरी अलमारी खाली की, जो भी सारे कपड़े थे वो सारे निकाले। यकीन करें आप कि लास्ट वाली जो दराज थी उसमें इतनी दीमक थी और जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो मैंने देखा तो मेरा सर बहुत ज़्यादा चकरा गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो जी, ये मेरी पुरानी अलमारी है और इसमें भी कपड़े मौजूद थे और उस वक्त तो वीडियो में नहीं बना सकी क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी थी कि बस हमें एकदम कपड़े निकाल के उठा के फेंकने थे और स्प्रे वगैरह इधर हम निकल लिया था काफ़ी सारा, तो जिससे कि जो दीमक थी वो स्प्रे करने से मर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड एकदम गए थे बाइक पर और जाके दवाई लेकर आ गए थे। और बाकी जो नीचे तिजोरी थी जिसमें कागज़ वगैरह से सामान पड़े हुए थे तो उसकी तो हालत बुरी थी। और ये दीमक आपको नज़र आ रही होगी, ये हमने स्प्रे किया था जो मर चुकी थी, लेकिन तब मैंने जहन अपना बनाया कि मैं थोड़ी वीडियो बना लूं। और जो मैंने कंडीशन देखी थी यहाँ पे जो ये चल रहे थे, तो तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें मैंने कभी देखी नहीं थी। और ये जो था ये मेरा न्यू फर्नीचर है, तो इसका भी जो फर्स्ट पोर्शन है अलमारी का उसमें भी लग चुकी थी दीमक और अच्छी खासी लगी थी। मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और ये आप देखें, ये मेरा स्टोर है, उसमें प्लास्टिक बिछा हुआ है तो फर्श में सेम बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो प्लास्टिक जैसे ही मैंने ऊपर किया तो मेरा सर बिल्कुल चकरा गया देख कर कि तो क्या कंडीशन हो गई है। इन्होंने जो कैल्सी वगैरह मुझे पिलाई फिर मैं सेट हुई और बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हो गया था। फिर जो हमने चेक किया तो पूरे ही मेरे स्टोर में दीमक लगी हुई थी। तो ये है सलमान भाई, ये इनकी पूरी टीम आई थी, इन्होंने सारा कवर किया माशाल्लाह और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। 5 साल की गारंटी इन्होंने दी है और दीमक का खात्मा ये बिल्कुल कर देते हैं। तो ड्रिल मशीन लाए थे और काफ़ी सुराख इन्होंने दोनों रूम में किए थे और एहतियातन किचन में, जबकि नहीं है लेकिन मैंने किचन में भी 8-10 इस तरह सुराख करवा के और इन्होंने दवाई इसमें डाल दी थी। तो आप देखें ये किस तरह सुराख कर रहे हैं। तो ये दीमक का खात्मा फिर इस तरह होता है। और अब ये जो दवाई बना रहे हैं प्रेशर वाली, अब ये जो सुराख इन्होंने किए हैं इन्होंने ये दवाई डालेंगे। यकीन करें हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। तो बस सारे सामान मेरे इधर उधर हो गए और अलमारियाँ सारी हमने ओपन की, सामान सारा बिखर गया। मेरे यहाँ जो ज़रूरी कागजात थे वो सारे दीमक से भरे हुए थे। आप यकीन करें कि 4 से 5 दिन पहले ही मैंने वो कपड़े हमने वॉश किए थे और मैंने बिल्कुल सुखा के ड्राई करके उनको मैंने अपनी अलमारी में सेट किया था। तो 5 से 6 दिन पहले ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं था और 5 से 6 दिन के अंदर अंदर ये क्या हो गया, मैं खुद हैरान रह गई। तो सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप भी ध्यान रखें, ख्याल करें, केयर करें अपना।
और उन लोगों को तो ज़रूर केयर करनी चाहिए जिनके घरों में सेम रहती है अक्सर, तो वो अपनी अलमारियाँ वगैरह जो भी लकड़ी की चीज़ें हैं वो ज़रूर चेक करें और दीवारों से तकरीबन 2 से 3 इंच जो है वो स्पेस बना के रखें। फर्नीचर का पता नहीं चलता, यकीन करें आप, ये सब कुछ इतनी फास्ट फास्ट हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स से ये चीज़ शेयर करूँ। तो जी अभी तक भी मेरा जो घर का काम है वो कंटिन्यू चल रहा है और अभी तक मैं फ्री नहीं हो पाई हूँ, तो दुआ करें मैं जल्दी से ये मेरा सारा काम निपट जाए और मैं फ्री हो जाऊँ, तो इसीलिए मैं कुकिंग की वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पा रही। तो बराए मेहरबानी आप अपने घरों का ख्याल रखें। तो बस मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि जिनके घर में सेम रहती है, क्योंकि हमारे घर में सेम है और फर्श में नमी हो जाती है, तो ज़ाहरी बात है कि फर्नीचर वगैरह जो भी कुछ पड़ा हुआ लकड़ी की चीज़ें तो उन पे दीमक बहुत जल्दी आ जाती है। तो प्लीज़ आप, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपके जो फर्नीचर वगैरह हैं आप उनको चेक करें, उनके जो बिल्कुल नीचे के साइड हैं एरिए के, अलमारियों के, शोकेस के, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। फिर ये कि हमने टीम बुलवाई दीमक का जो काम करती हैं उनको बुलवाया, सलमान भाई हैं बहुत अच्छे हमारे, तो हमने उनको कहा, वो आए मशीनें लेकर आए, आके उन्होंने सुराख किए ज़मीन में ड्रिल से और इन्होंने स्प्रे वगैरह दवाई की, पूरे घर को स्प्रे किया, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मेरा चैनल है, इसी ज़रिए मैं लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। तो जब इतना सामान बाहर निकला और इतना सारा बखेरा हुआ तो साथ साथ फिर हमने सोचा कि हम कलर भी करवा देते हैं कमरों को। तो मेरी ज़िंदगी का ये एक किस्म का एक्सपीरियंस था जो मैंने आप सब से शेयर किया, ताकि आप सब भी अपना ख्याल करें। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी कुकिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।